पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बड़े मुकाबले से पहले जो खबर आई वो ना पंजाब किंग्स के फैंस के लिए अच्छी है ना ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए। दरअसल पंजाब के कप्तान केएल राहुल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। राहुल के पेट में देर रात दर्द उठा था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। स्पोर्ट्स आर को एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है कि राहुल ने कल रात अपने पेट दर्द की शिकायत टीम मैनेजमेंट से की थी जिसके बाद उनके टेस्ट करवाए गए। आज ही राहुल की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल को एपेंडिसाइटिस की शिकायत है। इसके लिए राहुल को अब सर्जरी करानी होगी। इसी बीच पंजाब किंग्स ने भी ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है। केएल राहुल ने कल रात पेट में दर्द की शिकायत की थी। ये दर्द दवा से भी ठीक नहीं हुआ जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया जिसके बाद टेस्ट किए गए तो एपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम सामने आई। ये दिक्कत सर्जरी से ही ठीक हो सकती है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। पंजाब के लिए केएल राहुल का हॉस्पिटलाइज होना दो मायनों में बहुत बुरी खबर है। पहला तो ये कि वो अपनी टीम के कप्तान हैं। दूसरा ये कि वो पंजाब ही नहीं किसी भी टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में हैं। राहुल ने 7 मैच खेलकर अब तक 331 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पर बरकरार है। राहुल की गैर मौजूदगी में फिलहाल पंजाब किंग्स की कप्तानी मयंक अग्रवाल कर रही है।